नवंबर 2018 को सेवानिवृत्त होने के बाद आज श्री अनिल कुमार मिश्रा का उनके कार्यालय के माननीयों द्वारा विधिवत विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यालय के सभी कार्यकर्ता और अधिकारियों ने अनिल कुमार मिश्रा को उनके कार्यकाल को सफलता से पूरा करने पर बधाई दी। तो कभी भी हम लखनऊ में भी रहते थे तो मिश्रा जी हर उसमें मिलने जरूर आते थे, चाहे जहां से बाहर से लौटे हैं, कोई त्योहार हो कुछ हो, ये इनकी एक अपनी एक शैली थी, जो नहीं कोई काम से ही कभी कोई आए। तो ये सब हम लोगों में घर से ही संस्कार भी उपजते हैं, उन्हीं संस्कारों से दूसरों से अपने आप नहीं तो दूसरों से देख देख के संस्कारों में वो मिश्रा जी की कुछ शुभकामनाएं देते हैं कि जैसे अब तक उन्होंने कहा चलाते रहे भविष्य में इस तरीके से। और अभी हमारे भाई ने कहा कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, तो ये तो तैयार है बैठे पुष्प गुच्छ पहनाकर सभी ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। अधिकारियों का कहना है कि अनिल कुमार मिश्रा का कार्यकाल सभी के लिए प्रेरणा देने वाला है, क्योंकि 60 साल की उम्र तक लखनऊ से शाहजहांपुर रोज समय से आने और जाने का जो कठिन और अतुलनीय कार्य इन्होंने किया, वो आज के समय के युवा भी नहीं कर सकते। निश्चित तौर पे अपने जीवन के महत्वपूर्ण 37 साल किसी संस्था को, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसको दान दे देना कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और किसी भी एक जनपद में 28 साल देना निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है कि वो व्यक्ति जरूर अपने कार्य में निपुण रहा होगा, निष्ठावान रहा होगा, तभी वो एक जनपद में इतने लंबे समय तक रह पाया होगा। और जहाँ इस तरह की जिस तरीके से उद्गार लोगों ने व्यक्त किए हैं, वो भी इस बात का प्रमाण है कि आपका व्यवहार अपने साथियों के प्रति बहुत ही मधुर और उत्साहवर्धक रहा है। सभी के साथ इनका लगाव और प्रेम इनकी विदाई समारोह में साफ देखा गया। प्रेम भाव में सभी की आंखें भर आई थी। क्योंकि सभागार में मौजूद सभी को उनके कर्मठ साथी दफ्तर से दूर जाने के कारण उनकी आंखें नम थी। सभी ने इनके बेदाग कार्यालय से सेवानिवृत्त होने पर बधाई दी और मंगल कामनाएं की।